तीनोटी समांतर सरल रेखा को जदि दुईटी छेदक छेद करे तबे सेमानकर अनुरूप छेदितांश गुड़िकर दैर्घ्यर अनुपात समान तर आगे देखिया अनुरूप छेदितांश बंधन कहली एल वन गोटे सरल रेखा एल टू गोटे सरल रेखा एल थ्री गोटे सरल रेखा ये तीन टा एल वन समांतर एल टू समांतर एल थ्री एल वन समांतर एल टू समांतर एल थ्री तर जेटा छेदक हला जदि टी वन ए वन गोटे छेदक है टी वन आ गोटे छेदक एमती कल कौन टी टू ये मैंने परस्पर को छेद कले कौन ना ए बी सी डी ई एफ कौन कहले ना तीनोटी समांतर सरलेखा एल वन समांतर एल टू समांतर एल थ्री तीनोटी समांतर सरलेखा को जदि दुईटा छेदक छेद करुछंती सेमानकर अनुरूप छेदितांश गुड़िकर दैर्घ्यर अनुपात समान आगे अनुरूप छेदितांश कौन एल वन समांतर एल टू समांतर एल थ्री टी वन टी टू एमानकर दुईटी छेदक टी वन छेदक एल वन को ए बिंदु एल टू को बी बिंदु एल थ्री को सी बिंदु छेद कर टी टू छेदक एल वन को डी बिंदु एल टू को ई बिंदु एल थ्री को एफ बिंदु छेद कर छेदितांश कौन ना ये छेदक जो समांतर सरलेखा दुईटा को जो छेद बिंदु छेद कला से दैर्घ्य गोटे छेदितांश बीसी गोटे छेदितांश एसी मध्ये गोटे छेदितांश ने टी टू गोटे छेद कर डी गोटे छेदितांश ई एफ गोटे छेदितांश डी एफ मध्ये गोटे छेदितांश से कला कौन ना अनुरूप छेदितांश गुड़िकर दैर्घ्यर अनुपात समान ए बी र अनुरूप छेदितांश किया हो ना डी ये दुईटार दैर्घ्यर अनुपात अर्थात ए बी बाय डी इज इक्वल टू बी सी गोटे छेदितांश बी सी र अनुरूप छेदितांश किया ना ई एफ अरे बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी मध्ये गोटे छेदितांश ए सी र छेदितांश अनुरूप किए ना डी एफ ए सी बाय दैर्घ्य समान कि प्रमेय बाणटा आम जानूल समान समानुपाति हे प्रमेय बाणटा कौन कहला ना दुईटी तीन समांतर सरलेखा को दुईटी छेदक छेद कले अनुरूप छेदितांश मान दैर्घ्य कौन सब समानुपाति हे आम जान समान समानुपाति हे आपको प्रमाण करने पूर्व दुईटा प्रक्रिया नवम होता मन पक गोटा अच्छी एकांतर प्रक्रिया जोग प्रक्रिया एकांतर प्रक्रिया कौन धर ए बी सी ओ डी समानुपाति अच्छा अर्थात ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी समानुपाति हेले एकांतर प्रक्रिया कौन ना ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी की प्रक्रिया ना एकांतर एकांतर नवम क्लास कौन कह जोग प्रक्रिया ये दुटा प्रक्रिया प्रयोग करा जाए आमको ए बाय डी इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ प्रमाण करने को एकांतर प्रक्रिया जोग प्रक्रिया कौन तो ए बी सी ओ डी चारोटी धनात्मक पूर्ण संख्या जदि समान पात्रे थांती तबे ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हबो जोग प्रक्रिया कौन ना ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी एरे की प्रक्रिया जोग प्रक्रिया जोग प्रक्रिया ए दुईटा प्रक्रिया प्रयोग करा जो कौन प्रमेय 1 कोटा पढ़ चाहे प्रमेय 1 हला कौन कहला ना तीनोटी परस्पर समांतर सरलरेखा को जदि दुईटी छेदक छेद करूछि सेमानकर अनुरूप छेदिकता समान कोण सब ना समानुपाति हेतु एटा हमको प्रमाण करबाक हो
ये दुटा एकांतर प्रक्रिया जोग प्रक्रिया की प्रयोग हो एकांतर प्रक्रिया कोन जोग प्रक्रिया कोन जानलो तो नव क्लास में पढी सकन भी रिमाइंड कर देले एबे दत्त लिखिबा दत्त कोन कहै छी ना L1 समांतर L2 समांतर L3 एमानतर दुटी छेदक T1 एवं T2 T1 L1 को A बिंदु रे L2 को B बिंदु रे ओ L3 को C बिंदु रे छेद करै छी एवं T2 छेद को L1 को D बिंदु रे L2 को E बिंदु रे L3 को F बिंदु रे छेद करै छी ठीक त पढला प्रामाण्य कोण ना अनुरूप छेदितांश मानंकर दैर्घ्य सब समान बाजेबे तले A by DE इक्वल टू B सहिला कोण ना प्रामाण्य एटा प्रमाण करबा को पड़िबो इक्वल टू AC by DE प्रमाण करबा को खले मोर जति किंछ दै छि नदि छति किंछ प्रमाण करि न पारिली मते कार सहजक नबा पड़िबो जहार सहजक ने सेटा मते अंकन करय पड़िबो अंकन कोन कलि ना ए पे अंकन करि अंकन कोन कलि ए पे अंकन करा जाय छि जहा कि एल2 सरलरेखा को जी बिंदु रे छेद करै छि के जो ए पे अंकन करलि एल2 को बिंदु छेद गला जी बिंदु रे छेद वर्तमान प्रमाण आसीबा दत्त जानि गलो सामान्य कथन लेखि देलो जटा प्रमेय बात दै छि सामान्य कथन तीनोटी समान परस्पर समांतर सरल रेखा को दुईटी छेदक छेदक ले छेदक और छेदक दुईटी द्वारा उत्पन्न होतिबा छेदितांश मानकर दैर्घ्य समानुपाती का सामान्य कथन पढैला दत्त अनुसार चित्र को जे तीनोटी समांतर सरल रेखा कह देली तने समांतर सरल रेखा L1 समांतर L2 समांतर L3 एमानकर दुईटी छेदक T1 T2 तीनोटी सरल रेखा को तीनोटी बिंदु छेद करछंती तले T1 L1 को A बिंदु रे L2 को B बिंदु रे L3 को C बिंदु रे छेद करछि एवं T2 छेद को L1 को D बिंदु रे L2 को E बिंदु रे L3 को F बिंदु रे छेद करछि एतिक दत्त पढै गला दत्त रे प्रमाण करले अनुरूप छेदितांश मानकर दैर्घ्य समानुपाती छेदितांश AB / D इक्वल टू BC / EF इक्वल टू AC / DF एगला प्रमाण करय पय मोर किछ सहज गलोडा करथबार हम अंकन करले कोन ना ए अंकन करले जहा कि L2 सरल रेखा को जी बिंदु रे छेद कर वर्तमान प्रमाण को जीवा कोन प्रमाण जीवा देखो त्रिभुज ACF त्रिभुज ACF रे L2 समांतर CF समांतर है जेतु L2 समांतर L3 ताले B G टा समांतर C तो लेके आएं दे त्रिभुज A C F रे B G समांतर C F कौन पाई ना जेतु L2 समांतर L3 अरे A टा से तो समांतर है ले A टा A टा से समांतर हो उपपाद एक कोटि के रिमाइंड करो कोटिए त्रिभुजर कोटिए बाहु सहित समांतर सरल रेखा त्रिभुजर अन्य दुई बाहु को दुईटी भिन्न भिन्न बिंदु रे छेद कले से दुई भिन्न बिंदु द्वारा त्रिभुजर अन्य दुई बाहु समानुपाती रे विभाजित होवंती एटा उपपाद एक कहिला नाही तले सेही अनुसार जदि एटा एटा सहित समांतर हेई गला तले कोण मारिबो ना AB by BC is equal to AG by GL हेलो नाही उपपाद एक अनुसार सेटा लिखि देबो एटी उपपाद एक के द्वारा लिखिबो ना जे खाता देखियो से उपपाद एक गुण करबो जहाटा जो शर्त अनुसार लिखिबो त्रिभुज आमे जानते त्रिभुज रा कोटि बाहु अन्य बाहु सहित समांतर हेले तले त्रिभुज रा अन्य दुई बाहु से बिंदु द्वारा कोण आबे समानुपाती रे विभाजित हे सेही नियम अनुसार AB BC इक्वल टू एला कोण AG BC सहिला एटा जतेले कोण इक्वेशन मान से दिछडा लिखिबो एबी नेक्स्ट जीवा यही त्रिभुज रे ओ त्रिभुज ना त्रिभुज ए FD रे त्रिभुज AFD रे ए त्रिभुज रे कोण हला ना AD समांतर GF कोण लिखली AD समांतर GF कोण पाई ना जेहेतु L1 ता समांतर L2 दत्त दैछ J
যেহেতু l1 সমান্তর l2 সেইপরি এবাউ সহিত এবাউ সমান্তর হলে এইটা বাই এইটা ইকুয়াল টু এইটা বাই এইটা হব না নাই দেখিবা তা লেখা কোন না d e d বাই e f ইজ ইকুয়াল টু d র অনুরূপ হবে h e h by g h by g सला ता इक्वेशन 2 दे दिए इक्वेशन 1 पाइथलो h by g ता ab by bc से समान इक्वेशन 2 पाइलो h by g ता d by f से समान अर्थात ए दिटा समान दिला ए जी बाय ता एबा पर दिटा समान हे गेला ना नाही चला ता इक्वेशन 1 और 2 पाइबा समीकरण 1 ओ 2 पाइबा कोन पाइबा ना ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू डी बाय एल हे गेला ए बी बाय एल हमर एठे देखला कोन ए बी बाय डी जोगम एकांतर प्रक्रिया को मन पका कहली ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी एल ए बाय सी इक्वल टू बी बाय डी हो एटा सही बोली ए बी बाय डी ई ए बी बाय डी इक्वल हेला कोन बी सी बाय ई एटा को प्रक्रिया के लिखिबो को प्रक्रिया एकांतर एकांतर प्रक्रिया हेला नेक्स्ट स्टेप जीवा एकी पाई थलो कोन ना ए बी बाय बी सी इक्वल टू डी बाय एफ ए या मिलथला नाही मु पकेली जोग प्रक्रिया ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हेले ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी पकेले के त कोन आला ना ए बी ए प्लस बी सी बाय बी सी इज इक्वल टू डी प्लस ई एफ बाय ई एफ हेला ना नाही ए बी रे बी सी मिसला देखो ए बी रे बी सी मिसला केला एस सी बाय क्या होला बी सी इज इक्वल टू डी रे ई एफ मिसला के डी एफ ए ई एफ से बड़ी रहिला ई एफ से बड़ी रहिला तले कोन होला ना एस सी बाय बी सी इक्वल टू होला कोन डी एफ बाय ई एफ एटा को सेम दे पके देली को प्रक्रिया SC by BC कौन है तुम्हारो? SC by BC एटा को सेम पके देली को प्रक्रिया को प्रक्रिया एकांतर प्रक्रिया तो नहीं ना कौन SC by DF इक्वल टू BC by EF एटा को प्रक्रिया थला एक को प्रक्रिया पर थला जोग प्रक्रिया एक को जोग प्रक्रिया जोग प्रक्रिया यही को प्रक्रिया थला एकांतर एकांतर प्रक्रिया सही गला प्रथम पाई थलो ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ ए पाई थलो नाही ए बी बाय डी इक्वल टू बी सी बाय ई एफ एटा समीकरण 2 आइला एटा को 3 दे दे एति पाइलो ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ एटा समीकरण 4 दे दे यही तीनटा इक्वेशन पाइलो कोन पाइलो देखे ए बी बाय डी समान BC by EF, AC by DF समान BC by EF ये तीन दीटा इक्वेशन को जो देते हो दूर ना कर दो तीन दाना का समान अपना नहीं समान है जीवो तो लेके समीकरण तीन हो चार हो पाएगा समीकरण तीन ही हो चार हो पाएगा कौन पाएगा ना AD by DE is equal to BC by EF इज इक्वल टू AC बाय DF मोर एया नथिला प्रमाण ए बी बाय डी इक्वल टू बी बाय ए इक्वल टू सी बाय डी हेला ना नाही प्रमाण हेला ला कोमा माने कर जान जानो जे कोन ना तीनोटी समांतर सरल रेखा को जदि दुटी छेदक छेद करती सेमानंक द्वारा उत्पन्न होता को मान रहे छेदक मानक द्वारा उत्पन्न होतिवा छेदितांश समानंतर दैर्घ्य अनुरूप अनुरूप छेदितांश समानंतर दैर्घ्य कोन हेबे समानुपाती